हरे कृष्णा। आप सभी को आज का मेरा इस कार्यक्रम में स्वागत है। क्या महिलाओं को इंडिपेंडेंटली जीने की छूट देना चाहिए? क्या माताओं को अथवा महिलाओं को अपने तरीके से जीने की अनुमति देना चाहिए? जी नहीं, ये संपूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि महान आचार्य पंडित चाणक्य कहते हैं कि माताओं को अथवा महिलाओं को हमेशा किसी के अधीन में रहकर ही अपना दिनचर्या बिताना पड़ता है। जैसे शादी से पहले अपने माता पिता के अधीन में रहना होता है, और शादी के बाद अपने पति के अधीन में रहना होता है, और बुढ़ापे में अपने बच्चों के सहारे जीना पड़ता है, खास करके अपने बेटा के अधीन में ही रहना पड़ता है। इसलिए कभी भी महिलाओं को इंडिपेंडेंटली घूमने की आज़ादी नहीं देना चाहिए। क्यों? इसके पीछे कारण क्या? क्योंकि हमारा ये संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है, और ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा हमें इसकी अनुमति नहीं देते हैं। अगर हम अपने मनमानी करें, और आज के इस मॉडर्न सोसाइटी में जैसे सभी आज़ादी, सभी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अगर उसी तरह हम महिलाओं को अथवा माताओं को उसी तरह अपने मनमानी ढंग से जीने की आज़ादी दें, तो उसका जो परिणाम है बहुत ही भयानक होगा। जैसे कि अभी रिसेंटली श्रद्धा मर्डर केस के बारे में आपने सुना होगा, जो रिसेंटली इसका न्यूज़ का हेडलाइन बना हुआ है। सो उसका कारण क्या है? हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं देते हैं। शिक्षा इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा संस्कार ही इम्पोर्टेंट। सांस्कारिक बनाना, हमारे बच्चों को हमें सांस्कारिक बनाना है। सांस्कारिक के बिना जो शिक्षा हम देते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, जिससे आजकल ये बहुत सारे घटना दुर्घटना घटते रहते हैं। इसलिए हमें बच्चों को सांस्कारिक बनाना है। सांस्कारिक बनाना है तो हमें शास्त्रों के हिसाब से ही अपने बच्चों को शिक्षा देना होता है।